ये नारे लगाते लोग जो आप देख रहे हैं, दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो झांसी में आज कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने यहां ज्ञापन दिया। दरअसल इन लोगों का कहना है कि विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। ऐसे गर्मी के मौसम में जहां बारिश के बाद उमस हो रही है, लोगों को बेतहाशा विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई और मांगों को भी उठाया है। इसके लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जिला अधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया उसको लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों इशरत खान जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी झांसी क्या समस्या लेकर आए थे? देखिए, जो इस समय प्रदेश में बेतहाशा जो बिजली की कटौती हो रही है, घोषित कटौती हो रही है, और पिछले दिनों भीषण गर्मी में भी अस्पतालों तक में बिजली की कटौती हुई। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने ये घोषणा की थी कि सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन जिला मुख्यालयों को छोड़ दीजिए, राजधानी लखनऊ तक में बिजली कटौती हुई। और इस भीषण गर्मी के टाइम पर जब कटौती हुई तो जो मरीज थे जो अस्पतालों में भर्ती हुए और कई और जो लोग घरों में भी थे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, जो कि सीधे सीधे बिजली विभाग की लापरवाही और जो अकर्मण्यता है, जो काम ना करने का एक विभागों में सिस्टम व्याप्त है, उसकी वजह से ये घटनाएं हुई हैं। आज हमारे प्रदेश में जहां पर कि 1 लाख बिजली कर्मियों की आवश्यकता है, वहां पर सिर्फ 34,000 कर्मी काम कर रहे हैं। तो ये जो 66,000 जो लोग कम हैं बिजली विभाग में, वो भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है जो अव्यवस्था बिजली की फैली हुई है। हम ये देखते हैं कि हर बार डबल इंजन की बात होती है, लेकिन इस समय बिजली की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये जो डबल इंजन है ये अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और इसकी वजह से आम जनता जो है वो दो पार्टों में पिस रही है। हमारी आज ये मांग है, अभी हमने देखा कि पिछले ही दिनों झांसी में भी बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली के खंभे में जो करंट आ रहा था उससे चिपक के आशु कुरैशी नामक एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, उसकी 2-3 बच्चियां हैं असहाय बेसहारा हो गई हैं। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रदेश भर में जो बिजली की कटौती की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से जिनकी मौतें हुई हैं और झांसी में भी जिस व्यक्ति की मौत हुई है, ऐसे सभी लोगों को उचित मुआवजा शीघ्र अतिशीघ्र प्रक्रिया पूरी करके दिया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी भी दी जाए और जो खाली पद पड़े हुए हैं बिजली विभाग के उनको शीघ्र भरा जाए। इन मांगों को लेके आज हमने ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के लिए संबोधित DM साहब के माध्यम से भेजा है।